नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक टाइप्स में ही संबंधों के आधार पर हो चुका था, चैनल के आधार पर वर्गीकरण हो गया था। आज हमारा है उद्देश्य और शैली के आधार पर वर्गीकरण किस तरह से है, किस तरह से उसे डिवाइड किया गया है टाइप्स में, तो उसे देखेंगे उद्देश्य और शैली के आधार पर वर्गीकरण। इसमें हमारे दो तरह से आते हैं, दो तरह से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है औपचारिक फॉर्मल और इनफॉर्मल अनौपचारिक संप्रेषण। तो सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक संप्रेषण क्या है। औपचारिक में क्या रहता है कि औपचारिक संप्रेषण में संदेश को नियत एवं संप्रेषित करते समय कुछ निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है, मतलब पूरी फॉर्मली तरीके से होता है। इसमें सही भाषा, सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। औपचारिक संप्रेषण प्रक्रिया किसी संगठन में विभिन्न चरणों के लेवल से गुजरती है, जिसको स्कैनल चैन भी कहा जाता है। किसी भी संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण क्या संप्रेषण प्रणाली आवश्यक है। अब उन्हें इस तरह से देख सकते हैं कि ये लाभ हैं औपचारिक के, फॉर्मल की क्या लाभ हो सकते हैं। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके क्या लाभ हैं, तो पहला है निर्विघ्न संप्रेषण, दक्षता में वृद्धि, स्थायी रिकॉर्ड, अनुशासन, कार्य समन्वय, विश्वसनीयता, सूचना का सामान्य प्रवाह। तो सबसे पहले क्या है, निर्विघ्न संप्रेषण। निर्विघ्न मीन्स स्मूथ कम्युनिकेशन। औपचारिक संप्रेषण में पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है, इसलिए प्रतिभागी इस बात से अवगत है कि संदेश कहाँ और कैसे भेजना है, इसलिए इसको इसमें एरर नहीं माना जाता है, ठीक है, त्रुटि रहित माना जाता है, ठीक है, किसी तरह की त्रुटि नहीं होती है, एरर नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि पूर्व निर्धारित चैनलों के माध्यम से चलता है, और इसमें क्या है, प्रतिभागी जो है संदेश कहाँ और कैसे भेजना है इसका ध्यान रखते हैं, और ये इसीलिए इसे स्मूथ कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर दूसरा आता है दक्षता में वृद्धि में क्या जाएगा, एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। किस तरह से एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, इस तरह के संप्रेषण में प्रबंधन की समग्र दक्षता में वृद्धि होती है। इससे निश्चितता बढ़ती है, लेकिन इसके लिए संगठनात्मक नियमों और प्रक्रियाओं का संप्रेषण अनुपालन किया जाना आवश्यक है। तीसरा रहता है स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड। तो ये भी इसके लाभ रहते हैं, अगर औपचारिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें स्थायी रिकॉर्ड भी रहता है, इसका लाभ है एक। तो इसमें क्या रहेगा कि पत्र, रिपोर्ट और मेमो जैसे सभी औपचारिक संप्रेषण को स्थायी रूप से रखा जाता है, इसलिए भविष्य में निर्णय लेने में यह सहायक होते हैं। और फिर आ जाता है चौथा, अनुशासन, डिसिप्लिन। यह संप्रेषण किसी भी संगठन के कर्मचारियों के मन में अनुशासन की भावना पैदा करता है। फिर है कार्य समन्वय में क्या आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन। औपचारिक संप्रेषण एक संगठन के विभिन्न कार्यों और विभागों के बीच समन्वय के लिए भूमिका प्रदान करते हैं, इससे संसाधनों का भी उचित उपयोग हो पाता है। फिर आता है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, जिससे रिलायबिलिटी ये सब आ जाएगा, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। उद्देश्य, आदेश, निर्देश आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में औपचारिक संप्रेषण अधिक विश्वसनीय है। किसमें, उद्देश्य, आदेश, निर्देश देने हो कम्युनिकेशन में, तो इससे विश्वसनीयता बढ़ती है, एक के प्रति विश्वसनीय हो जाता है। फिर लास्ट, हाँ अभी दो और हैं, तो इसमें पहला है सूचना का सामान्य प्रवाह। इसमें रहेगा स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यह संगठन को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रेषण सुनिश्चित करता है। कोई भी मूल प्रवाह या मार्ग को निरंकुश ढंग से बाधित नहीं कर सकता है। सूचना का सामान्य प्रवाह होता है ठीक तरह से, ठीक है, यानी सुनिश्चित होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, दोनों संप्रेषण, चाहे वो आंतरिक हो बाह्य हो,
तो उसमें क्या होता है वो संप्रेषण सुनिश्चित होता है, तो इसलिए ये इसके लाभ हैं। सूचना का सामान्य प्रवाह, निर्विघ्न संप्रेषण पहले हो गया, स्मूथ कम्युनिकेशन, दक्षता में वृद्धि, स्थायी रिकॉर्ड रहता है, अनुशासन बनाए रखता है, जो भी कर्मचारी या जो भी संगठन में कर्मचारी हैं, तो और कार्य समन्वय रहता है, कार्य समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, विश्वसनीयता बढ़ती है, सूचना का सामान्य प्रवाह रहता है। अब कमियां इनकी क्या है औपचारिक में, ये हो गया लाभ। अब औपचारिक में कमियां कौन कौन सी देखने को मिलती है, पहला है सत्तावाद की संभावना, अनम्यता, महंगा, समय का अपव्यय, निर्णय लेने में विलंब, पहल का अभाव, सौहार्द का अभाव। तो सबसे पहले है सत्तावाद की संभावना। सत्तावाद की संभावना में क्या आ जाएगा, इसमें रहेगा, इसमें उच्च स्तर के प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रति हावी होने की संभावना रहती है। दूसरा रहता है अनम्यता। अनम्यता क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, चूंकि औपचारिक संप्रेषण में अनम्य है, जो औपचारिक संप्रेषण जो है अनम्य है, और इसमें कई बार परिस्थितियों के अनुरूप ढाल पाना कठिन हो जाता है। फिर है महंगा, महंगा कॉस्टली रहेगा, इस प्रकार के संप्रेषण में सभी औपचारिकताओं का रख रखाव करता है, जिसके कारण लागत अधिक हो जाती है। फिर समय का अपव्यय, समय के अपव्यय में वेस्टेज ऑफ टाइम, अधिक स्तर होने के कारण सूचना को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। निर्णय लेने में विलंब, निर्णय लेने में विलंब क्या हो जाएगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग। सभी प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे औपचारिक संप्रेषण विशिष्ट ढांचे को बनाए रखें, चाहे इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब ही क्यों ना हो। फिर है पहल का अभाव, लेक ऑफ इनिशिएटिव। यह संप्रेषण प्रणाली इस परिकल्पना पर आधारित है कि यह सर्वोत्तम है, इसलिए किसी अन्य प्रणाली के चयन करने का कोई विकल्प नहीं है। सौहार्द का अभाव, लास्ट है सौहार्द का अभाव, इसमें रहेगा लैक ऑफ कॉर्डियलिटी, मानव पक्ष की बजाय औपचारिकताओं को अधिक जोर दिया जाता है। तो ये हमारे उद्देश्य और शैली के आधार पर वर्गीकरण हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाँ इसी में अनौपचारिक है, यानी इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। इनफॉर्मल में हमारा आ जाएगा, जैसे इसमें कोई भी संस्था या व्यक्ति समूह अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं, हर संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ औपचारिक संप्रेषण प्रणाली अपने आप ही सम्मिलित हो जाती है, यह मुख्य रूप से कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अंतरवैयक्तिक जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, तो ये भी एक अनौपचारिक कम्युनिकेशन है। तो अभी हमने इस वीडियो में उद्देश्य और शैली के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण दोनों के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा के आधार पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।